Chandan Gautam, and now in this chapter, in this lecture, we will proceed to the end of this chapter, in which one of the remaining topic we will cover here, that is equivalence. Potential is same, or we can say equal everywhere, or we can say every point. ठीक है, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो सेम, उसी को मैं क्या बोलूंगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे चीज बताऊंगा कि ये जो हम यूज करते हैं जनरली, हम बात करते हैं इसके अंदर 3D सर्किट की, इसकी बात करते हैं बच्चों 3D सर्किट की। अब वो बताऊंगा क्यों हम 3D सर्किट को मेजर केस में कंसीडर करते हैं। देखो कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। यहाँ देखा मैंने लिया एक चार्ज, लिया एक मेरे पास कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, जो सेंट्रलाइज है। इसके चार्ज का मैंने क्या कर दिया स्फीयर ग्राउंड, रेडियस जब मैंने आर मानी तो यहाँ पे भी इसकी रेडियस की आर होगी, यहाँ पे भी रेडियस होगी आर, यहाँ पे भी रेडियस होगी आर। बात समझ आई बच्चों? अब देखो ये मैंने मान लिया इस पॉइंट को P1 मान लिया, इसको P2 मान लिया, इसको P3 कंसीडर कर लिया, इसको P4 कंसीडर कर लिया। बात समझे? तो ऑब्वियसली जब ये चार्ज क्यों यहाँ पे सेंटर पे रखा होता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं स्फीयर की जो सरफेस है उसकी तरह अगर ट्रीट करूं तो क्या होगा मेरे पास? इस पॉइंट पे पोटेंशियल लेट्स सपोज V1 आया, इस पे V2 आया, इस पे V3 आया और इस पे V4। ठीक है, तो एक चीज बताना क्या ये V1, V2, V3 और V4 को मैं इक्वल रख सकता हूँ? कैसे? V1 is equals to V2 is equals to V3 is equals to V4 क्यों रख सकता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है V = kq/r। यही होती है बच्चों, मतलब जिस डिस्टेंस पे क्या करता है डिपेंड करता है। तो P1 पॉइंट के लिए भी डिस्टेंस उतनी है जितनी P2 के लिए, जितनी P3 के लिए, जितनी P4 के लिए। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी कितनी रहेगी? kq/r। और यही वैल्यू सेम रहेगी V1, V2, V3, V4 हर पॉइंट पे, मतलब इस स्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करूंगा, वो क्या रहेगी? हमेशा इक्वल रहेगी। बात समझ आएगी? ठीक है, तो मैं इसको किसके तरह ट्रीट कर सकता हूँ? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और स्फीयर कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसी ज्योमेट्री होती है? 3D स्ट्रक्चर। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, देखो यहां तो हमने बात करी किसकी, इसको यही पे लिख देते इसके लिए अब हम ये तो स्फीयर की बात करी, ऐसा नहीं कि 2D में नहीं होगा। मैंने बोला कि एक क्यू चार्ज है वो किसी सर्कल के सेंटर पर, ठीक है, तो यहाँ इसकी भी रेडियस आ होगी तो इसके हर पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। मैंने बोला कि ये रेडियस है आर, मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया रेडियस आर टू, ठीक है, इसके भी हर पॉइंट पे क्या होगा? आर टू डिस्टेंस होगी, एक पोटेंशियल होगा।
होगा। एक बार मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया सेम उसकी रेडियस अपन मान ली, बात समझ आई। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होंगे वो भी ई के पोटेंशियल सर्फेस की तरह बिहेव करेंगे, कब? जब चार्ज जो है उसके कहां पे सिचुएटेड हो, सेंटर पे। क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्कल की रेडियस डिफरेंट होगी लेकिन सेंटर क्या होगा, सेम। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, इक्विपोटेंशियल सर्फेस की तरह, कब? जब चार्ज उसके सेंटर पे। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी एक क्या है, लीनियर चार्ज, लीनियर वायर के अलावा लीनियर कंडक्टर के अलावा मेरे पास क्या है, चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, इससे मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस इधर और आर डिस्टेंस इधर, मैंने क्या कर दिया, सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, सिलेंडर स्ट्रक्चर ले लिया। ठीक है, अभी बताओ चार्ज से ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस है और ये पॉइंट भी क्या आर डिस्टेंस है, तो क्या इस सिलेंडर का हर पॉइंट इक्वल पोटेंशियल शो करेगा इस चार्ज के लिए, करेगा नहीं करेगा? तो ये भी मेरे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इक्वल पोटेंशियल सरफेस। अब अगर मैं इसी को कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर की तरह बिहेव करूँ, अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाऊँ तो सॉरी कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बनाऊँ और सर्कल, तो कैसे बनेगा ये, ये सिलेंडर हुआ। ठीक है, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, ठीक है, दूसरा जो है कह रहा हूँ मैंने सिलेंडर बना दिया इस तरीके से। ठीक है, इसके लिए भी ये आर टू डिस्टेंस, ये हो गई आर टू डिस्टेंस। इसके लिए मैं बात करूँ फिर से, जब अपने पास सिलेंडर बनेगा इसके लिए मैंने बोल दिया आर थ्री डिस्टेंस और ये आर टू, आर थ्री डिस्टेंस, तो ये भी किसके तरह बिहेव करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, कब? जब चार्ज कहाँ हो, इस सिलेंडर की एक्सिस के ऊपर हो, चार्ज कहाँ पे हो, इस सिलेंडर की मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस के या वाई, इसको वाई मान लेते हैं, वाई वाई एक्सिस के ऊपर क्या हो इसके चार्ज, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप समझ आया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, डेफिनेशन तो इजी है ही है लेकिन हमें एग्जांपल भी ना पता होना चाहिए जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट इस चीज का बहुत अच्छे से क्लियर हो। सिलेंडर कैसे, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे डायमेंशन, कौन से डायमेंशन रखा है, थ्री डायमेंशन, बात समझाएंगे। अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन के ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, चाहे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है या उसकी प्रॉपर्टीज है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या आती है, उसकी डेफिनेशन, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, पोटेंशियल रिमेन्स सेम एवरीवेयर ऑन द इक्विपोटेंशियल। अब देखो हर जगह पोटेंशियल क्या सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे मैंने बोला पी वन पे भी सेम है, पी टू पे भी सेम है, पी थ्री पे भी सेम है, तो जब मैं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा तो हमेशा क्या आएगा, पी वन पे वी वन मान लिया, वी टू मान लिया, वी थ्री मान लिया, तो वी वन माइनस वी टू या वी टू माइनस वी वन जो होगा क्या हो जाएगा हमेशा जीरो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ऑलवेज जीरो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑलवेज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो है। बात समझ आई बच्चों?
थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, थर्ड जो प्रॉपर्टी होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस से जीरो आया तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस से जीरो आएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका जीरो, मतलब नो वर्क डन, नो वर्क इज रिक्वायर्ड, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ आई। और थर्ड के बाद में फोर्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये सिमिलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तरह कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी सेम टाइम पे सेम पॉइंट के ऊपर, जो कि पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जिस जगह पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे पोटेंशियल की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होती। आई होप इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, किस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं और पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कभी भी टाइम पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।